अस्सलामुअलैकुम रहमतुल्लाहि बरकातहू। मैं शुरू करती हूँ अल्लाह का नाम लेकर जो बड़े मेहरबान और निहायत रहम दिल वाले हैं। आज मैं चिकन कोल्हापुरी बनाने जा रही हूँ, जो स्पेशल रेसिपी है महाराष्ट्र की। और उसके लिए हमने 1.5 किलो चिकन ले लिया है, इसको अच्छी तरीके से इसको धो लिया है। अगर से चिकन धोने की रेसिपी आपको चाहिए तो ज़रूर से मुझे कमेंट करना, मैं आपको अच्छी तरीके से धोकर इस तरीके से बताऊंगी। उसके लिए सबसे पहले हम ये मसालों को देख लेंगे जो हमको ऑयल में इस्तेमाल होंगे। उसके लिए हमको 4 गिड़ी सूखी मिर्ची लगेगी और कुछ तेज़ पत्ते, 1 दालचीनी, 3 लौंग, 2 इलायची, ये कुछ 6 प्याज है, इसको हमने स्लाइस कटिंग में कट कर लिया है। प्याज की इसमें जितना प्याज मतलब इसमें यूज़ होएगा और उतना ही इसका टेस्ट लजीज बढ़ेगा। हमको प्याज ज़्यादा चाहिए इस रेसिपी के वास्ते। उसके लिए हमने ये 1 चम्मच धनिया, आधा स्पून हल्दी, मिर्ची पाउडर ले लिया है 1 चम्मच, गरम मसाला 1 चम्मच, और ये कोल्हापुरी मसाला है, चिकन कोल्हापुरी मसाला। और ये टमाटर है 3 बड़े, स्लाइस कटिंग में कट कर लिया है। कुछ बादाम है, इसको हमने हल्का सा रोस्ट कर लिया है, इसको हम पीस कर ग्राइंड कर लेंगे। हरी मिर्ची है, ये लाल हो गया है इसका कलर, उसके लिए मैंने इसको यूज़ कर ली हूँ। 1 लेमन यूज़ होएगा हमको, थोड़ी सी धनिया के पत्ते यूज़ होएंगे लास्ट में गार्निशिंग के वक़्त, और नींबू तो हमको बीच में ऐड करना पड़ेगा खटासगी के लिए। अब हम सबसे पहले आपको दिखाते हैं क्या ग्राइंड करेंगे। अदरक लहसुन फ्रेश पीस कर ऐड करेंगे हम। अदरक लहसुन हमने पीस लिया है, अब ये बादाम को पीस लेंगे हम, थोड़ा सा पानी डालकर मामूली, जैसे कि हम खोपरा पीसते हैं नारियल, उस तरीके से हम पीस लेंगे इसको। अब एक बर्तन में निकाल लेंगे इसको। अब यहाँ पर 1 चम्मच सालन के चम्मच से हमने भरकर ऑयल लिया है। अब ये जो गरम मसाले हैं इसको हम ऑयल में ऐड कर देंगे। जैसे ये ऑयल थोड़ा सा मतलब खुशबू आ जाए गरम मसाले की, उस समय हम इस प्याज को ऐड कर देंगे। प्याज को एकदम बारीक कट करना है, लंबे इसमें आकार में हमको। थोड़ा थोड़ा करकर हम प्याज पूरा ऐड कर देंगे और अच्छी तरीके से इसका कलर चेंज करना है हमको। ज़्यादा एकदम डार्क नहीं करना है, मीडियम, जैसे कि थोड़ा सा नरम हो जाए। ज़रूर से आप भी इस रेसिपी को ट्राई करना, चिकन कोल्हापुरी को जिस तरीके से हमने बनाया है। अगर से आप बनाते हैं, ट्राई करते हैं, तो ज़रूर से मुझे कमेंट में बोलना मेरी रेसिपी कैसी लगी। आप जब बनाएंगे नहीं तो मुझे पता कैसा लगेगा कि आपने मेरी रेसिपी देखे हैं, ट्राई कर रहे हैं। प्लीज़ से ट्राई करना। और इसमें अदरक लहसुन हम फ्रेश ऐड करेंगे, गोश्त की क्वांटिटी के हिसाब से 1.5 चम्मच भरकर है, छोटे स्पून से, जो हम स्पून में मतलब छोटा स्पून रहता है वो स्पून से। अब इसको भी हम मिक्स कर लेंगे अच्छी तरीके से उस प्याज ऑयल में, ताकि इसका अदरक लहसुन का कच्चापन चले जाए। सब चीज़ मैंने फ्रेश ही डाला हुआ है इसमें। अब इसको भी थोड़ा सा हम ऑयल एकदम कम हमने यूज़ किया है, ऑयल की ज़रूरत हमको ज़्यादा नहीं लगेगी। और जो हमने बीच में अगर से हमने मलाई ऐड करना है, उस मलाई में भी ऑयल रहता है ऊपर, हम घर की मलाई ऐड कर रहे हैं, बाहर की फ्रेश क्रीम में ऑयल नहीं रहता है। टमाटर है, इसको बारीक से पेस्ट बना लेंगे, ग्राइंड कर लेंगे हम इसको काट कर अगर से पीसेंगे तो बहुत अच्छे से प्यूरी उसकी बारीक होएगी। अब इस वक्त हमको सॉल्ट ऐड करना है, नमक अपने अंदाज से हम ऐड करेंगे अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग। अब इसको भी मिक्स करेंगे, नमक डालने के बाद सब चीज़ें अच्छी तरीके से फ्लेवर आ जाता है सब चीज़ों में, उसमें नमक का। अब ये सूखे मसाले हैं जो आपको हमने बता दिया था, ये सब हमने बराबर मेजरमेंट बता दिया है। अगर से कुछ भी डाउट रहा तो आप ज़रूर से मुझसे पूछना, मैं वापस से आपको ज़रूर से बोलूँगी कि मैंने क्या क्या डाली हूँ। ये 1.5 किलो चिकन को इतने चीज़ें डाली हूँ। अब हमको अगर से थोड़ा सा सूखता है मसाला तो इसमें पानी थोड़ा सा आप ऐड कर सकते हैं। मैंने डायरेक्ट टमाटर की प्यूरी को ही ऐड कर दिया है। अच्छी तरीके से इसको भून लेंगे,
टमाटर अगर से जार में लगा भी हुआ है तो थोड़ा सा पानी डालकर हम खंगाल कर वो भी इसमें ऐड कर देंगे और अच्छी तरीके से ढक्कन लगाकर इसको पकने के लिए छोड़ देंगे उस समय, ताकि इसका ऑयल अच्छी तरीके से रिलीज़ हो जाए, इसके कच्चेपन का बास चले जाए टमाटर का, टमाटर इन मसालों में अच्छी तरीके से मिक्स हो जाए। अब हम इसको बीच बीच में चेक भी करेंगे, इस तरीके से हमको छोड़ना भी नहीं है, फ्लेम फास्ट रखा हुआ है हमने, अब बीच बीच में हम चेक करते रहेंगे अच्छी तरीके से। टमाटर का पानी एब्जॉर्ब हो चुका है क्या देखेंगे हम। अब इस समय हम इस मलाई को ऐड कर देंगे। मैंने आपको कहा था ये घर की मलाई है तो इसमें ऑयल ज़रूर से निकलेगा, हम ऐड करने के बाद इसमें भी ऑयल रिलीज़ होएगा। इसके लिए हमने ऑयल की क्वांटिटी बहुत कम यूज़ किया है। अब जैसे हम ये डालते हैं इसमें भी ऑयल छूटेगा, इसको अच्छी तरीके से हमको मिक्स कर लेना है। अगर से आप बाहर का क्रीम यूज़ करते हैं तो थोड़ा सा अपने अंदाज से ऑयल थोड़ा सा ज़्यादा रख लेना। ऑयल हम क्यों कम रखते हैं बोलेंगे तो खाने के बाद में हमको एसिडी कुछ तकलीफ नहीं हो, हेल्दी रेसिपी रहती है जिस रेसिपी में ऑयल कम इस्तेमाल होता है। अब इसको अच्छी तरीके से हम भून लेंगे। ऐसा लग रहा है मसाला सूख रहा है तो हम थोड़ा सा पानी इसमें ऐड कर सकते हैं। मैं दही ऐड कर रही हूँ, ये 200 ग्राम की दही की है, 10 रुपए की एक पैकेट है ये। इसको मैंने फेटा नहीं है, डायरेक्ट ऐड कर दिया है। अब इसको जल्दी जल्दी हम मिक्स कर लेंगे ताकि इसमें लम्स नहीं बने। अब इसको भी कुछ समय हम भूनने के लिए ढक्कन लगा सकते हैं, चाहे तो आप इस तरीके से हिला हिला कर भी इसको भून कर पका सकते हैं। देखिए अब इस वक्त हम ये लेमन है, एक लेमन को हम चिकन के ऊपर ऐड कर देंगे ताकि अच्छी तरीके से जूसी बन जाए चिकन हमारा। कुछ हम अपने अंदाज से कर रहे हैं तो अपने अंदाज की रेसिपी को हम बनाएंगे। अब एक लेमन हमने अच्छी तरीके से इसका जूस इसको निचड़ कर निकाल लिया है, बीज हमने निकाल फेंक दिया है। अब इसमें चुटकी भर हम हल्दी ऐड करेंगे, बीज गिरता भी है तो हम निकाल लेंगे, बीज का इस्तेमाल हमको नहीं करना है। अब इस हल्दी को हम थोड़ा सा ऐड कर अच्छी तरीके से इसको मिक्स कर लेंगे। अच्छी तरीके से इसको मिक्स करने के बाद हमको अब रखना नहीं है, डायरेक्ट उस मसाले में ऐड कर देना है। थोड़ा सा इसके ऊपर धनिया के पत्ते ऐड कर देंगे हम। देखिए मैं विनीगर सब डालकर मैं चिकन कभी भी नहीं धोती हूँ, मैं ऐसे ही नॉर्मल धोती हूँ। हमारा चिकन आप देख सकते हैं कितना क्लीन है, एकदम एक एक पीस कर हम धोते हैं, ऐसे ही पूरा साथ में मिलाकर मैं नहीं धोती हूँ। मुझे एक एक पीस चिकन धोने के लिए ही मुझे 1-1.5 घंटा लग जाता है। अगर से ज़्यादा चिकन है तो इतने चिकन को मुझे तो कम से कम 1/2 घंटा लगा है क्लीन करने के लिए, और इससे ज़्यादा रहेगा तो मुझे 1 घंटा लग जाता है। एक एक पीस क्लीन करती हूँ मैं, ऐसे ही डालकर उसको गोल घुमाकर पानी फेंकती नहीं हूँ मैं। आप चिकन देखकर ही अंदाज़ा लगा सकते हैं कि ये किस तरीके से पाक हुआ है। और विनीगर डालकर हम नहीं धोते हैं, विनीगर डालकर अब धो रहे हैं, उस ज़माने से भी ऐसे ही हम धोते आ रहे हैं। अब इसको अच्छी तरीके से हमको मिक्स करना है। देखिए ये थोड़ा सा पकने के बाद थोड़ा इसका क्वांटिटी कम हो जाएगा, लेकिन पीस हमको चिकन का थोड़ा बड़ा बड़ा लेना है, बहुत छोटा नहीं लेना है, और ना ही हमने फूड कलर इसमें ऐड किया है। फूड कलर का भी इस्तेमाल बहुत कम यूज़ होता है रेसिपी में, हर रेसिपी में मुझे ज़्यादा इस्तेमाल आकर मैं बिरयानी में थोड़ा बहुत कर लेती हूँ, बाकी मैं हर किसी में आकर जो अपने घर की मिर्ची है वही यूज़ करती हूँ। मैं तो कश्मीरी लाल मिर्ची यूज़ करती हूँ, उसमें थोड़े से हरे मिर्चियाँ हम काट कर ऐड कर दिए। देखिए माशाल्लाह
ज़रूर से कमेंट में मुझे बोलना मेरी रेसिपी कैसी लगी। और अल्लाह का बहुत बहुत शुक्रिया यहाँ तक का मुझे लाने के लिए। आप लोग वीडियो देख रहे हैं मेरा, आप लोगों का भी शुक्रिया। अल्लाह ताला जो नियामतों से हम ना खिला रहे हैं, नवाज रहे हैं, उनका भी शुक्रिया। इस चिकन कोल्हापुरी को हम नान के साथ, रोटी के साथ, इसके साथ भी हम खा सकते हैं, स्टीम राइस के साथ। देखिए इस तरीके से आप चाहे तो अपने अंदाज से पानी ऐड कर ले सकते हैं। मैं थोड़ा सा ये बादाम जो पीस कर रखा है इसको आखिर में हमको ऐड करना है। इस बादाम को इसको छिलटे के साथ ही हमने ग्राइंड किया हुआ है, छिलटा नहीं निकाला है हमने इसका। अब इसको अच्छी तरीके से हम मिक्स कर लेंगे। कुछ धनिया के पत्ते ऐड करेंगे इसमें, थोड़ा सा जो हमने बादाम का प्यूरी ऐड किया है उसी प्यूरी से हम थोड़ा सा पानी ऐड कर देंगे। अच्छी तरीके से घुमाकर मिक्स करेंगे, एक उबाल आने देंगे इसको, एक पकने देंगे। जब एक बार ये अच्छी तरीके से पक जाएगा ढक्कन लगा देंगे आप कुछ समय, या तो ढक्कन बगैर का भी हम इसी तरीके से पका सकते हैं इसको। अच्छी तरीके से मिक्स कर लेना है हमको। देखिए इस तरीके से हमको मिक्स कर लेना है। माशाल्लाह कितना प्यारा लग रहा है, खाने में भी उतना ही लजीज था, उतना ही टेस्ट था, उतना ही स्पाइसी, उतना ही इसका फ्लेवर एकदम जैसे खट्टा, जैसे तेज़, नमक, सॉल्ट, हमने सब तरीके से इसको बराबर से बनाया है चक्कर। ज़रूर से आप ट्राई करना इस रेसिपी को। और थोड़ा कुछ समय हम ढक देंगे इसको, एक उबाल आता है तो हम सर्व कर कर बता देंगे आप। आपको ज़रूर से आप बोलना, आप बोलेंगे नहीं तो मुझे पता कैसे चलेगा आपने मेरी रेसिपी को पसंद किया है कर। अब इसको हम सर्व करेंगे। देखिए ऑयल ऊपर से कितना आया है, इसके लिए हमने ऑयल का इस्तेमाल इसमें कम किया है। कभी भी चिकन में भी थोड़ा बहुत फैट रहता है, उस फैट को भी मैं निकाल देती हूँ हमेशा। अच्छी तरीके से उबाल आने के समय, पकने के समय हम क्या करेंगे, कस्तूरी मेथी भुना हुआ है, रोस्ट करा हुआ, थोड़ा सा हाथों के ज़रिए से अच्छी तरीके से हम क्रश कर कर इसको दबा कर मसल कर ऐड कर देंगे, ताकि ये चिकन में अच्छी तरीके से एग्जॉप हो जाए। अब इसको अच्छी तरीके से हम मिक्स कर लेंगे, जैसे कि ये कस्तूरी मेथी भी थोड़ा सा नरम पड़ जाएगा। थोड़ा सा एक मिनट के वास्ते हम उबाल में पका लेंगे उसको, ताकि इसका फ्लेवर उसमें आ जाए। उसके बाद हम इसको स्टोव को हाफ कर देंगे, मिक्स कर लेंगे, फिर आपको सर्व कर कर बताते हैं हम। हमारी रेसिपी कंप्लीट हो चुकी है चिकन कोल्हापुरी की। अब देखिए इस तरीके से गोश्त भी हमारा अच्छी तरीके से गल चुका है। अब हम इसको सर्व कर कर बताएंगे। चिकन तो बहुत जल्दी गल जाता है, उसको कुछ कुकर में भी डालने की ज़रूरत नहीं है, हम मामूली फ्राई पैन में ही उसको बना सकते हैं। बिस्मिल्ला, ज़रूर से आप भी ट्राई करना और मुझे कमेंट में बोलना मेरी रेसिपी कैसी लगी। अगर से अच्छा लगता रहा तो प्लीज़ लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइबर करना मत भूलना और बेल आइकन ज़रूर से बजा देना, आने वाली हर रेसिपी मेरी आपको पहले मिल जाए। देखिए धुएंदार चिकन हमारा बनकर तैयार हो चुका है। ज़रूर से माशाल्लाह आप भी ट्राई करना, आप लोगों के वास्ते ही मैं बनाकर बता रही हूँ, ताकि आप लोगों को आसानी हुए। जो मेरे बैचलर भाई लोग हैं उनके लिए, बहन लोग के लिए जिनको आसानी एकदम होती है, वो रेसिपी मैं दे रही हूँ आपको। हमारी रेसिपी बनकर कंप्लीट हो चुकी है, ज़रूर से आप भी ट्राई करना। और तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, फिर लौट कर आऊँगी कोई नई रेसिपी के साथ।